आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद कृत पिशोला की प्रतिध्वनि की शेष रही व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिशोला की उर्मियाँ हैं शांत, घनी छाया में तट तरु हैं चित्रित तरल चित्र सारी। तरल चित्र सारी अर्थात जल के प्रवाह के कारण उत्पन्न हुई चित्रशाला, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से, दग्ध जले हुए, अवसाद अर्थात दुख, धूल दूसर जलद खंड भटक पड़े हों, दूसर धूल से सने हुए जैसे विजन अनंत में, विजन अर्थात निर्जन, अनंत अर्थात आकाश। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि महाराणा प्रताप की वीरता की पुकार का भावपूर्ण चित्रण कर रहा है। कवि कहते हैं कि पिशोला की उर्मियाँ हैं शांत, अर्थात आज पिछोला झील में उठती हुई लहरें शांत हैं, उनकी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है। घनी छाया में तटतरु हैं, चारों ओर वृक्षों की घनी छाया है, चित्रित तरल चित्र सारी में, और वृक्षों की घनी छाया जब जल में पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जल की हलचल के कारण किसी तरल चित्रशाला का निर्माण हो गया हो। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से। देखिए, झोपड़ों का अर्थ है महल, कि पिशोला की झील के किनारे बने हुए महल आज खंडित व धूल दूसर हो गए हैं, और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये महल अपने गत वैभव का विचार कर परातंत्रता के दुख से झुलसे हुए और निराशा को अभिव्यक्त कर रहे हों। धूल दूसर खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में, अनंत अर्थात आकाश, विजन अर्थात निर्जन, कि ये धूल से सने हुए महल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे आकाश में बादलों के धुंधले टुकड़े इधर उधर भटक रहे हों। काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, कि धीरे धीरे छाने वाला अंधकार भी इस संध्या पर किसी कलंक के समान प्रतीत हो रहा है। दुंदुभी मृदंग स्तब्ध तूर्य शांत सब मौन है, कि आज यहाँ ना तो कोई नगाड़ा बज रहा है, ना कोई मृदंग की ध्वनि सुनाई दे रही है, और ना ही कोई तुरही बज रही है, अर्थात ओजस्वी स्वर उत्पन्न करने वाले सभी स्वर आज शांत और मौन हैं। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। कवि कहता है कि इतना होने पर भी आकाश से निरंतर एक प्रतिध्वनि गूंज के रूप में सुनाई पड़ रही है, जिसमें देश की स्वतंत्रता का स्वर मुखर हो रहा है। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह ओज गुण से परिपूर्ण रचना है। इसमें वीर रस की प्रधानता है, साथ ही साथ महाराणा प्रताप के ओजस्वी स्वर को मुखरित किया गया है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता ही अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर चूर्ण अस्थि पुंज साहसेगा अट्टहास कौन,
साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। देखिए इस काव्यांश के माध्यम से कवि महाराणा प्रताप की प्रतिध्वनि को सुनकर अपने मनोभावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि नभ में गुंजायमान महाराणा प्रताप की प्रतिध्वनि की गूंज को सुनकर कवि व्यथित हो उठता है। अतः कहता है कि कौन लेगा भार यह, कि ऐसा कौन है जो इस स्वतंत्रता प्राप्ति के दायित्व अर्थात भार को स्वीकार करेगा, कौन विचलेगा नहीं, ऐसा कौन है जो विपरीत अथवा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर। देखिए अस्थि मांस का अर्थ है हाड़ मांस का, मनुष्य अर्थात शरीर, परख कर वज्र से अर्थात वज्र से संबंधित वज्राघात जैसी कठिन परिस्थितियां। कवि कहता है कि ऐसा कौन है जो अपने शरीर पर शत्रुओं द्वारा किए गए प्रहार को सहन करने के लिए तैयार रहेगा। परख कर वज्र से प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर और वज्राघात जैसे संकटों पर भी स्थिर रहेगा और स्वयं को प्रलयकारी स्थितियों में कसौटी पर कसकर खरा उतार सकेगा, स्वयं को कसौटियों पर सिद्ध करने की परिस्थितियों से गुजर सकने का सामर्थ्य जिसमें होगा। चूर्ण अस्थि पुंज सा हसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी दृप्त फुत्कार से। दृप्त अर्थात ओजस्वी या प्रबल, फुत्कार अर्थात फुफकार। कवि कहता है कि ऐसा कौन है जो लोगों के मन में चूर चूर होकर बिखरी हुई स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए किसी विजय के उल्लास में अट्टहास अर्थात मुक्त हास्य के रूप में हंसेगा। ऐसा वीर कौन है जिसकी प्रबल फुत्कार से प्रबल फुफकार के सामने देश का अहित करने वालों के प्रयास धूल में मिल जाएंगे अर्थात धूमिल हो जाएंगे। कवि का कहने का भाव यह है कि ऐसा कौन है जो पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह प्रतिध्वनि आज भी पिछोला झील की लहरों से उत्पन्न होती है। देखिए यदि विशेष की बात की जाए तो प्रलयोल का खंड में रूपक अलंकार, पूर्ण अस्थि पुंज सा यहाँ उपमा अलंकार है तथा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है।